जी जनाब, लव स्ट्रे कैट की जानिब से आप सबको जी प्यार से, इज़्ज़त से, नहायती अकीदत से मेरा सलाम हो। ये देखें पिक्चर है, इसका ये मतलब है कि यानी अच्छे होते हैं जो वो पल जो हम अपने पेट्स के साथ गुजारते हैं। बिल्कुल इसमें जी कोई भी शक नहीं है। वाकई में भी सुबह सुबह का टाइम मेरा बहुत अच्छा गुज़रता है, मैं कहती हूँ बेस्ट गुज़रता है इन बेज़बानों के साथ। इनको खाना देना, इनको प्यार देना, इनसे प्यार लेना, ये मेरी ज़िंदगी के बेहतर लम्हात हैं जिसका कोई नेमोल बदल नहीं है। खिदमत करें आप, अजर जो देगा वो अल्लाह पाक देगा। हमारा काम है खिदमत करना, लोगों से क्या अजर की तवक्कात करना, क्या लोगों से अपने नेकी का बदला लेना। नेकी का बदला अल्लाह के सिवा हमें कोई भी नहीं दे सकता। और जी ये हमारी प्यारी प्यारी सुबह है, अल्लाह पाक हम सबको नेक प्यारी सुबह देखना नसीब फरमाए, आमीन। मासूम जी आते हैं बेचारे मेरे पास खाना खाने रोज़ डेली, यानी आप समझे मैंने इन्हें जो है ना फ्री पासिस दिए हुए घर पर खाना खाने के लिए। इनके पास टोकन दिया हुआ है मैंने इनको कि आए और खाना खाएं। ये जी हमारी छुटकी है, मासूम प्यारी ये दोनों बच्चे हैं। इन दोनों बच्चों का मैं सब बिल्लियों से ज़्यादा ख्याल रखती हूँ क्योंकि ये बहुत जूनियर हैं, बहुत ज़्यादा। और जी आज का ये जो व्लॉग है या वीडियो है ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े की है। आज हम ईशु को भी लेकर गए थे डॉक्टर के पास चेकअप करवाने। ईशु जो है वो बहुत मेरा गुस्से वाला है, आप बताइएगा किस किस के मेल किट जो है ना इतना गुस्सा है, गुस्सा करने वाले हैं। और ये मेरी बेटी के लिए मैंने जो ब्रेकफास्ट लिया था बिन हाशिम से, इसमें प्रोटीन है, आयरन है, मेरी बच्ची ने बहुत शौक से खाया था। और ये ब्लैक वाली कैट है जिसके ये बच्चों को टेरेस पर मैं खाना देती हूँ। ये मेल कैट है, ये कभी आता है कभी नहीं आता, अपनी मर्ज़ी का मालिक है। जब आता है ये देखें जगह जगह, ये न्यूटर नहीं होते ना बिल्ले, तो जगह जगह ऐसे स्प्रे करते हैं। इसको मैंने खाना दिया, फिर इसने खाया, इस ब्लैकी को खाना दिया, इसने खाना खाया। और जी हम जा रहे हैं ये हेल्दी टेल एनिमल हॉस्पिटल ईशु के साथ। देखिए ईशु कितना डरा और सहमा हुआ, अभी डरा हुआ है, और फिर बाद में देखिएगा ना ये कैसे डॉक्टर को मारने पर आता है। डॉक्टर को मतलब ऐसे लग रहा था जैसे डॉक्टर को बोल रहा हो आओ मैं तुम्हें चीर कर फाड़ कर रख दूँ। ये जी हेल्दी टेल एनिमल हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। मेरे साथ इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, मेरे साथ और का पता नहीं है जी। हमने यहाँ का टोकन लिया, फिर हम डॉक्टर के इंतज़ार में बैठे रहे कि डॉक्टर साहब इनको देखें। ये हमारा टोकन नंबर था, साफ़ सुथरा अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बेस्ट रहा है। ये डॉक्टर आमिर हैं, इन्होंने इसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन ये बिल्कुल पकड़ में नहीं आ रहा था। इसको कुछ आगे ज़ख़म भी था, और इसको जो है ना वो जैसे बड़े बाल होते हैं ना शेव करवाने का डॉक्टर साहब बोल रहे थे, तो देखिए क्या होता है। बड़ी मुश्किल से इसको हमने देखा, उसके बाद हमने सिटी कोर्ट के पीछे से ये मुर्ख छोले लिए, गौसिया मुर्ख छोला। ये जी इसके बहुत अच्छे होते हैं, ये हमने सुना था, आज हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। ये देखें किसी को फूड ट्राई किया होगा जो कराची में रहते हैं ना, तो उनके लिए है ये। हमने फिर वहाँ से ये लिया, फिर घर आकर हमने ईशु के लिए जेली भी ली थी जो कि इसको खिलाई, क्योंकि बच्चा परेशान हो गया था। जाहिर सी बात है जैसे हम अपने छोटे बच्चों को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल, फिर उनको गिफ्ट देते हैं, तो हमने ये ईशु के लिए गिफ्ट रखा, ये जेली रॉयल कैनन की जेली थी। ये घर आकर हमने सबसे पहले ईशु को जेली दी। 3:15 का टाइम हो गया था, हम सबको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। फिर हमने ईशु के साथ ये देखें ईशु का ऐसा थोड़ा बाल कम हो गए, इसको हम ट्यूब लगा रहे हैं। फिर हमने खाना खाया, अपना खाना हमने फिनिश किया, ये नान और छोले वाला सालन हमने खाया, बहुत अच्छा था। 500 की प्लेट थी, 500 में तकरीबन हमने 3-4 खाए। और जी ये रात का टाइम है, अब बस सोने की तैयारी है। आप सबका बहुत शुक्रिया, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, कल मिलते हैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।